मुरादाबाद पुलिस ने सिविल लाइन थाना क्षेत्र के हरथला निवासी दरोगा जाकिर हुसैन के घर में हुई चोरी का खुलासा किया। इस दौरान पुलिस ने दो शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाशों के कब्जे से दरोगा के यहां से चुराए गए 4,50,000 की कीमत के सोने के जेवर बरामद किए गए हैं। बदमाशों का तीसरा साथी पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल हो गया। पुलिस की टीमें उसकी तलाश कर रही हैं। एएसपी आदित्य ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में नसीब और कादिर निवासी ग्राम अत्रोली थाना बनिया ठेर जनपद संभल को देर रात झंझारपुर अमृत राय के पास से गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से घटना में प्रयोग करने वाली मोटरसाइकिल बरामद की गई है। इस दौरान बदमाशों का तीसरा साथी उस्मान फरार होने में कामयाब हो गया। पकड़े गए बदमाशों ने पूछताछ में दरोगा के घर चोरी की घटना को अंजाम देने की बात कबूली है। पुलिस ने फरार बदमाश को पकड़ने के लिए कार्यवाही तेज कर दी है। इस पूरे प्रकरण में देखा गया है कि ये दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। ये संबंधित हैं दो मामलों से, एक दोनों चोरी के मामले हैं, सिविल लाइन थाने के मामले हैं। एक लिखा गया था 1044/19 और इनके वादी थे दिनेश चंद आर्य, इनके वादी थे जाकिर हुसैन और जो दूसरा प्रकरण था जिनके घर से चोरी हुई थी उनका नाम था दिनेश चंद आर्य। ये दोनों चोरियों में जो लगभग जो चोरी हुई थी वो 4 से 5 लाख की हुई थी और जो हम लोगों ने जो रिकवर किया है इसमें 4.5 लाख का तो जो माल है जिसमें ज्वेलरी वगैरह थी वो 4.5 लाख की ज्वेलरी रिकवर करी है, 15,000 का कैश रिकवर किया है, इसके अलावा एक बाइक और दो तमंचे। सर क्या कोई पुराना आपराधिक इतिहास भी है? हाँ, इन दोनों जो अभियुक्त जो पकड़े गए हैं जो गिरफ्तार किए गए हैं इनका आपराधिक इतिहास है। कुल जो अभी तक हमारे पास इतिहास आया है वो 4 मामलों का आया है। इसके अतिरिक्त इन दोनों का कबूलना है कि इनकी और भी जगह और भी कुछ चोरियां हैं वो आगे खुलासा होगा। सर मुरादाबाद में चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे, इससे बाहर भी अंजाम है? इन्होंने पहले चोरियां अजमेर की तरफ से भी की हैं, इन्होंने यहां पर भी की हैं और यूपी में इसके अतिरिक्त और भी जिले हैं जहां पे यूपी में इन्होंने चोरी करना बताया है। सर क्या इनकी निशानदेही पे और भी कोई गिरफ्तारी वगैरह करी जाएगी? इस चोरी में ये लोग 3 थे, इसमें से 2 लोगों ने जो चोरी की थी वो पकड़े गए हैं। जो एक जो रेकी कर रहा था लड़का वो अभी तक वो हमें उसकी लोकेशन पता चली है। इसके बाद में हम लोग जल्दी से जल्द जो तीसरा है उस्मान उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि उसको गिरफ्तार। JBD बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, world class catering, centrally air condition, lush green lawns, state of the art lighting, a perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. aise hi latest khabrein paane ke liye bell icon ko click kar hamare channel ko like share and subscribe kare. dhanyawad.